हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी कुकिंग विद सुचिता। वैसे तो बूंदी का रायता हम सबको ही बनाना आता है, बट आज मैं आपको जो बूंदी का रायता बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसमें क्या डिफरेंट है ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बूंदी का रायता बनाना शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बूंदी का रायता बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप गाढ़ा दही। दही हमारा गाढ़ा होना चाहिए, पतला दही हम लोग इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद 1 स्पून की सहायता से हम लोग इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे। हमको इसको बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना, बस हल्का सा ही हमको इसको फेंट लेना है। तो ये देखिए, जो ये दही है वो तो अब हमारा बन के तैयार है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पे मैं 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस इसको डाल के इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे, और उसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। अब बस इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में, ताकि जो हम लोग यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दही में अच्छे से घुल जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम लोग ऊपर से दूध या पानी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये देखिए, सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम लोग इसको मिक्स कर देते हैं। तो जब हम लोग ये रायता खाएंगे तो जो हमने चीनी डाली है उसकी मिठास भी रहेगी, दही का हल्का सा खट्टापन भी रहेगा, और नमक का हल्का सा सॉर्टनेस रहेगा, और मिर्ची का हल्का सा तीखापन रहेगा। तो उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे बूंदी। यहाँ पर मैंने 2 कप दही का इस्तेमाल किया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 1 कप बूंदी डालूँगी। बस इसको डाल के हम लोग इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो रायता है वो हल्का सा पतला है। तो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि जो रायता है वो ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। तो फ्रिज में रखने के बाद जो रायता है वो हमारा थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा, और जो बूंदी है वो दही का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे बूंदी का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, ये अब हमारा जो रायता है वो बनके तैयार है। तो ये रायते की रेसिपी आप लोग अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, डेफिनेटली ये आपको और आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। तो ये मेरे इंस्टेंट बूंदी का रायता की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।